अब ये न्यूमेरिकल में देखते हैं हम क्या दिया है। हम क्या करते हैं कि गिवन डेटा और जो डेटा हमें कैलकुलेट करना है वो साथ साथ में ही न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ स्टील रॉड ए बी ऑफ डायमीटर 30 mm। तो गिवन डेटा मुझे ये साइड में लिखने दीजिए, गिवन, और ये साइड में हम लिखेंगे टू फाइंड। तो एक रॉड दिया है ए बी, वन रॉड ए बी इज गिवन, ए बी, ओके। डायमीटर इज गिवन 30 mm, सो लेट मी राइट डाउन हियर डायमीटर 30 mm। लेंथ इज गिवन 680 mm, इसकी लेंथ भी हमें गिवन है, दैट इज 680 mm। यहाँ पे मुझे मार्क करने दीजिए 680। इज हेल्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट एंड ए एंड बी। उनका कहना है कि ये दोनों एक फिक्स सपोर्ट में फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। सपोर्ट इज नॉट मीन्स सपोर्ट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट मूवेबल, ओके। एंड टेम्परेचर ऑफ रॉड इज रेज्ड फ्रॉम 26 डिग्री सेल्सियस टू 64 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है T1 एज 26 डिग्री सेल्सियस, T2 एज 64 डिग्री सेल्सियस। तो 26 से लेके तो 64 तक टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, तो हमारा T कितना रहेगा, T विल बी T2 माइनस T1, यानी 64 डिग्री सेल्सियस माइनस 26 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट वैल्यू एफ एज 38 डिग्री सेल्सियस। उनका कहना है कि एट 26 डिग्री सेल्सियस देयर इज नो एक्सपांशन और देयर इज नो स्ट्रेसेस। टू फाइंड थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इफ सपोर्ट डू नॉट यील्ड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हेन सपोर्ट डू नॉट यील्ड, ठीक है। और सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इफ वन सपोर्ट यील्ड बाय 0.2 mm। सो 0.2 mm यील्डिंग अगर होता है तो वो केस में। तो ये तो फर्स्ट केस होगी, व्हेन सपोर्ट डू नॉट यील्ड, राइट। यहाँ पे सपोर्ट यील्ड नहीं हो रहा है। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में क्या होगा। तो ये बार है हमारा विच इज 680 mm लेंथ, और जो सपोर्ट है वो स्लिप हो गया, सपोर्ट हमारा मूव हो गया, कितने एम एम से, 0.2 mm से, ठीक है। तो क्या होगा कि इतना एक्सपांशन हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डी, दिस पोर्शन इज नोन एज डी, इतना एक्सपांशन हमने अलाउ कर दिया, फाइन। तो अभी हमें ये कैलकुलेट करना है। राइट, सो ऐसा समझिए कि दिस इज केस वन, दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू, ओके। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले केस वन सॉल्व करेंगे, व्हेन सपोर्ट्स डू नॉट यील्ड, राइट। तो जब सपोर्ट यील्ड नहीं करते तो स्ट्रेसेस कितना प्रोड्यूस होता है, वेरी सिंपल, अल्फा टी ई। क्यों, क्योंकि वहां पे डेल एल कितना रहता है, ये केस में जीरो रहता है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 12 × 10⁻⁶। टी की वैल्यू 38, ई की वैल्यू 2 × 10⁻⁵। सो सिग्मा यहाँ से मिल जाएगा हमें, एंड दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 99.75 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। और ये इसका नेचर कैसा रहेगा, ऑब्वियसली कॉम्प्रेसिव, ठीक है। तो सिग्मा हमें मिल गया, तो हमने सिग्मा कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ई, तो ई का फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है। फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12 × 10⁻⁶, और टी की वैल्यू कितनी है, 38। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन विच इज 4.75 × 10⁻⁴। इसका यूनिट नहीं रहेगा, और ये स्ट्रेन कौन से टाइप का रहेगा, कॉम्प्रेसिव टाइप का रहेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस तो सॉल्व हो गया, है ना, ये दोनों सॉल्व हो गए। सेकेंड केस में क्या दिया है कि 0.2 mm तक हमने अलाउ कर दिया,
इसको क्या कहते हैं हम, डी, है ना, हमने एक फॉर्मूला देखा था। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, या फिर स्ट्रेन देख लेते हैं हम, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या आता है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा टी एल माइनस डी अपॉन एल। तो हम ये नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब अल्फा की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फटाफट। सो 12 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6, टी कितना है 38, एल कितना है 680, ओके, माइनस डी कितना है 0.2, है ना। कितने एम एम से अलाउ करने वाले हम, 0.2 से अलाउ करने वाले, डिवाइडेड बाय एल कितना है 680। तो इस पे से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ई। सो वैल्यू ऑफ ई इज 1.808 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4, एंड अगेन इट इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। अब ये डी मिल गया हमें, ई मिल गया। अब ये ई से हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेसेस इज इक्वल्स टू, एक्चुअली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा टी एल माइनस डी अपॉन एल इंटू ई। अब इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है 1.808 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1.808 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेस टू पावर 5। तो इस पे से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सिग्मा, विच इज 26.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्चुअली 37.985 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ओके। तो दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा विच इज अगेन कॉम्प्रेसिव। तो अभी हमने सेकेंड केस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया, राइट। अभी हमें क्या पूछा है, ऑल्सो टू फाइंड द एक्सियल फोर्स इन सपोर्ट इन केस टू, यानी ये केस टू में ये सपोर्ट पे कितना एक्सियल फोर्स आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें पी कैलकुलेट करना है। तो ये पी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वेरी सिंपल, पी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। अब अगर आपको केस वन के लिए पूछा, यहाँ पे कौन सी केस के लिए पूछा है, टू के लिए पूछा है, केस वन के लिए पूछा तो आपको ये सिग्मा यूज करना है, केस टू के लिए पूछा तो आपको ये सिग्मा यूज करना है, वेरी सिंपल। केस वन के लिए पूछा तो ये सिग्मा यूज करेंगे हम, 37.985 इंटू एरिया, डायमीटर गिवन है हमें, कितना गिवन है 30 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 30 स्क्वायर। सो इस पे से आपको मिल जाएगा पी, विच इज आपको इसको न्यूटन में मिलेगा 26.85 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन, या फिर P इज इक्वल टू 26.85 किलो न्यूटन, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।